नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। कल वीडियो नहीं मिल पाई थी, इसका रीजन था मेरा जो सीपीयू था वो खराब हो गया था। साइंस की क्लास में क्लास नंबर 8 हम करेंगे, टॉपिक वाइज ये सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज, ठीक। और पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों टॉपिक, तीनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग 36 से 37 टॉपिक मैंने निकाले हैं, 36 से 37 टॉपिक, वो मैं पूरा आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। आठवें दिन की क्लास है, आज हम करेंगे तरंग वेव के क्वेश्चन। तरंग की बात करें, तरंग तो करेंगे हम, इसके अलावा एक साउंड का क्वेश्चन है, साउंड का टॉपिक है, साउंड वेव वो अलग से करेंगे, साउंड वेव अलग में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तरंग की बात करें, तरंग आप पढ़ते दो प्रकार के तरंग होते हैं, एक तो यांत्रिक तरंगे, एक तो अयांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव्स, एक नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल भी दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य, ठीक है। तो खैर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये क्लास नंबर 8 है। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब करो, इसके प्लेलिस्ट भी अवेलेबल, जाके सारे क्लासेस को देख सकते हो। और अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हो रेलवे की परीक्षाओं में, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में, तो हमारा मैथ का 500 क्वेश्चन का एक कंप्लीट गेस्ट पेपर की सीरीज है, पीडीएफ है, इसको लेके पढ़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों टॉपिक आपको, तीनों के 5000 से ज्यादा वन लाइनर चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में मिलेंगे साइंस के, इसकी भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हो, ठीक। चलिए शुरू करें, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में, 30 क्वेश्चन करेंगे तरंग के। हमने बात किया तरंग की जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वेव, ठीक। ये दो प्रकार के होते हैं, ये पहले थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए, तरंग दो प्रकार के होते हैं। तरंग एक तो आपका होता है मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक तरंगे, ठीक। एक होता नॉन मैकेनिकल तरंग या जिसको बोलते हैं अयांत्रिक तरंगे, ये पढ़ते चले आओ। अब यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगों में अंतर क्या होता है, ठीक, मीडियम का अंतर होता है। यानी कि यांत्रिक तरंगों की बात करें, इसके हम पढ़ते हैं संचरण के लिए, इसको ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है इसके संचरण के लिए, ठीक। और इसके संचरण के लिए नॉन मैकेनिकल वेव, इसको विद्युत चुंबकीय तरंग भी बोलते हैं, इसके संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि हम कह सकते हैं ये वैक्यूम यानी कि निर्वात में भी ट्रेवल कर सकता है, ठीक। ये निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकता, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब इसमें एक आता है, दो प्रकार की होती है, एक तो अनुदैर्ध्य तरंग, ये पहला होता है, दूसरा होता है अनुप्रस्थ तरंग, ठीक। पहला अनुदैर्ध्य, दूसरा अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अनुप्रस्थ को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक। एक क्वेश्चन बार बार पूछे जाता, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग का उदाहरण, तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग का एक उदाहरण है, जिसका पूरा एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, ठीक। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग के प्रकार का एक उदाहरण है, ध्वनि तरंग एक प्रकार का यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है, यानी कि इसके संचरण के लिए मीडियम की यानी कि माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, ये आपका बेसिक था, याद रखिएगा। अयांत्रिक तरंग में जो भी आपकी विद्युत चुंबकीय यांत्रिक तरंग, एक्स रेज आपका अयांत्रिक तरंग हो गया, ठीक। इसके अलावा आपका एक्स रेज, गामा रेज, ये सारे आपके अयांत्रिक तरंगों के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चंस को डिस्कस करते चलेंगे, 30 क्वेश्चन होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, किस तरंग की तरंग हमारा, देखो भाई ये पढ़ चुके हो चैप्टर, मुझे भी सब पता है चीजें, आप रिविजन ही कर रहे हो, तो हम उसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक। किस तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तो सबसे पहले पूछता है किस तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ होता है इंग्लिश में, सबसे कम किसकी होती है, अगर जो आपको पता है तो याद रखना है, सबसे ज्यादा किसकी होती है, याद रखिएगा। तो किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछे तो क्या कहोगे, बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तो बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, किसकी बैगनी की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। अगर जो आपसे पूछे किसकी ज्यादा होती है तो क्या बताओगे, किसकी ज्यादा होती है लाल की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है। यही अगर जो हम बात करें आवृत्ति किसकी ज्यादा होती है, आवृत्ति अगर जो पूछे, ये भी याद रखना, तरंग दैर्ध्य सबसे कम बैगनी की, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा लाल की, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पूछे, आवृत्ति क्या करोगे उल्टा कर दोगे, बैगनी की कम और लाल की ज्यादा,
ठीक। तो ये चार क्वेश्चन आप याद रखना, ये चार क्वेश्चन आप यहां से याद रखोगे, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर दो की बात करें, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है? आवृत्ति ज्यादा होगी तो तरंग दैर्ध्य कम होगा, तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी तो आवृत्ति कम होगा, यदि आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा? यह घटेगी, घट जाती है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ये घट जाती है। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर वन में इसको देखा, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर वन में इसको देखा। क्वेश्चन नंबर तीन की बात करें, एक कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे की ओर दोलन करता है, यह किस प्रकार की तरंगों पर चर्चा की गई है? आप किस प्रकार के तरंगों की चर्चा की गई है? तो ये आपका अनुप्रस्थ प्रकार के तरंगों की चर्चा यहाँ पे की गई है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी अनुप्रस्थ। ठीक, ट्रांसवर्स वेव्स, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? अनुप्रस्थ तरंग नहीं, आपको साफ साफ दिखाई दे, मैंने बोला कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य। ठीक, तो आपका ध्वनि तरंग इसका राइट आंसर होगा, साउंड वेव, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पांच की बात करें, रडार के आविष्कारक कौन थे? रडार, रडार, रडार के आविष्कारक कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? रडार की खोज किसके द्वारा की गई? इसका आंसर बताइए, रडार के आविष्कारक कौन थे? रडार के आविष्कारक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एच टेलर और लियो सी यंग, ए एच टेलर एवं लियो सी यंग। ठीक है, इसका आंसर होगा ए एच टेलर एवं लियो सी यंग। ठीक है, रडार, आर ए डी ए आर, ठीक, रडार। ठीक, रेडियो, इसका पूरा नाम याद रखिएगा, रेडियो एंड डिटेक्शन रेंजिंग, रेडियो एंड डिटेक्शन रेंजिंग इसका पूरा नाम होता है। ए एच टेलर और लियो सी यंग ने रडार का खोज किया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, एमआरआई मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? एमआरआई मशीन में, एमआरआई, एमआरआई का पूरा नाम होता है एमआरआई, एमआरआई मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसका पूरा नाम होता है। ठीक, इसमें किसका प्रयोग किया जाता? तो एमआरआई की बात करें, इसमें प्रयोग करता है चुंबकीय तरंगों का, ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करते हैं एमआरआई में, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें, कूलिश ट्यूब का प्रयोग उपयोग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कूलिश ट्यूब का उपयोग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हम किसका प्रयोग करते हैं? एक्सरेज का, एक्सरे, एक्सरे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसकी खोज किसने की थी? तो एक्सरेज की खोज विलियम रॉन्टजन ने की थी, विलियम रॉन्टजन ने। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर एट की बात कर लेते हैं, एट क्या है? एट है आपका मेसन कहां पाए जाते हैं? मेसन, मेसन कहां पाए जाते हैं? इसका आंसर क्या होगा? मेसन कहां पाए जाते हैं? मेसन, मेसन कहां पाए जाते हैं? कॉस्मिक किरण, ध्वनि तरंग, एक्सरे या लेजर बीम में, क्या आंसर होगा? तो मेसन जो होते हैं वो कॉस्मिक किरण में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, एट हमारा नाइन है, निम्न में से किसकी न्यूनतम आवृत्ति होती है? किसकी फ्रीक्वेंसी न्यूनतम होती है? किसकी आवृत्ति न्यूनतम होती है? ठीक, किसकी आवृत्ति न्यूनतम होती है? किसकी फ्रीक्वेंसी न्यूनतम होती है? इसका आंसर क्या होगा? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा दृश्य किरण की, दृश्य किरण को बोलते हैं हम विजिबल रेज, क्या बोलते हैं? विजिबल, विजिबल रेज, जिसको हम देख सकते हैं, दृश्य किरण, इसको बोलते हैं विजिबल रेज। अगर जो इसकी खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा इसकी खोज न्यूटन ने की थी, किसने? न्यूटन ने की थी। ठीक, न्यूटन ने। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, एक्सरे होती है, विलियम रॉन्टजन ने खोज की थी, किस प्रकार की कण होती है? तो एक्सरे एक प्रकार की न्यूट्रल होती है, उदासीन होती है, ऑप्शन नंबर सी, उदासीन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 11 की बात करें, निम्न में से कौन सी घटना फोटोन की कण की प्रवृत्ति को बनाती है? फोटोन की कण की प्रवृत्ति को बनाती है, इसका आंसर क्या होगा? कौन सी घटना फोटोन की कण की प्रवृत्ति को बनाती है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, वह गति जो नियमित अंतराल पर दोहराई जाती है उसकी क्या कहलाती है? नियमित अंतराल पर दोहराई जाती है वह क्या कहलाती है? तो नियमित अंतराल पर अगर जो कोई गति दोहराई जा रही है तो एक प्रकार की आवधिक गति कहलाती है, आवधिक, आवधिक गति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, हिंदी में आवधिक गति बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, ध्वनि किसका उदाहरण है? ध्वनि किसका अच्छा उदाहरण है? तो ध्वनि मैंने बताया किसका एक अच्छा उदाहरण है? अनुदैर्ध्य तरंगों का। तो अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, ध्वनि किसका बुरा उदाहरण है? तो अनुदैर्ध्य तरंगों का तो अच्छा उदाहरण है, लेकिन अनुप्रस्थ नहीं होंगी, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बैड उदाहरण है, बैड एग्जांपल है। ठीक, 15 की बात करें, 15 है आपका तरंग ऊर्जा। तरंग ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है। तरंगे ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है, क्या यह सच है, क्या यह गलत है, इसका तटस्थ है? तो यह सही है, ऑप्शन नंबर ए। 16 की बात करें, अनुदैर्ध्य तरंगों में से उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? उतार चढ़ाव जो होता है, जो उतार चढ़ाव होता है उसको क्या कहा जाता है? संपीड़न और दुर्लभता, शिखाए और संपीड़न और दुर्लभता, संपीड़न और विलयन भी बोलते हैं, संपीड़न और दुर्लभता भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। 17 क्या है? 17 आपका किसी भी तरंग का स्रोत होता है, किसी भी तरंग का स्रोत, मेन स्रोत होता है कंपन। कंपन यानी कि ऑप्शन नंबर बी, कंपन होता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। 18 क्या है? 18 आपका तरंगों में ऊर्जा स्थानांतरण का माध्यम होता है। तरंगों में ऊर्जा स्थानांतरण का माध्यम क्या होता है? इसका आंसर बताइए। तरंगों में ऊर्जा स्थानांतरण का माध्यम क्या होता है? तरंगों में ऊर्जा स्थानांतरण का माध्यम क्या होता है? तो याद रखिएगा, तरंगों में ऊर्जा स्थानांतरण तथा माध्यम है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थानांतरित नहीं, ऑप्शन नंबर बी, स्थानांतरित नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा 19 क्या होगा? 19 होगा आपका शिखा की ऊंचाई या केंद्र से गर्त की गहराई क्या कहलाती है? शिखा की ऊंचाई या केंद्र से गर्त की ऊंचाई क्या कहलाती है? इसे बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं? आयाम, ऑप्शन नंबर डी, एम्पलीट्यूड या आयाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, तरंगों के प्रकार है, इनमें से कौन से तरंगों के प्रकार है? तो ये तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, इसका आंसर ऑप्शन नंबर। सारे क्वेश्चन प्रीवियस सेंस में डायरेक्ट जैसे यहाँ पे क्वेश्चन को मैंने ऐड किया ऐसे आए हुए हैं, तो इसलिए सारे क्वेश्चन को रट डालिएगा। 21 की बात करें, एक दोलन को एक रूप में किस रूप में जाना जाता है? एक दोलन को और एक किस रूप में जाना जाता है? तो एक दोलन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक कंपन भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, सोनार का पूरा नाम क्या है? सोनार समुद्र की गहराई नापने में काम किया जाता है, इसका नाम है साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग। पूरा नाम साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग, इसका पूरा नाम है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, निम्नलिखित में से किसकी अधिकतम भेदन शक्ति होती है? भेदन शक्ति पावरफुल सबसे होती है गामा रेज की। गामा रेज की भेदन क्षमता सबसे पावरफुल होती है। ठीक है, चलिए इसकी खोज किसने की थी? खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने इसकी खोज की थी। ठीक है, गामा रेज की। 24 की बात करें, 24 क्या है? 24 है आपका, निम्नलिखित में से किसे उष्मा विकिरण कहा जाता है? किसे उष्मा विकिरण कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? किसे उष्मा विकिरण कहा जाता है? तो इंफ्रारेड विकिरण को उष्मा विकिरण भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए किन विकिरण का उपयोग किया जाता है? बताइए, मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए किन विकिरण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? किन विकिरण का उपयोग किया जाता है मांसपेशियों में दर्द के इलाज के लिए? चलिए बताइए इसका। मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए किन विकिरण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए किन विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? इन्फ्रारेड ही इसका भी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इन्फ्रारेड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा 25। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी या यूवी किरणों को किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, किसके द्वारा रोका जाता है? तो ये आयन मंडल में आपका एक ओजोन परत होता है, ओजोन लेयर होता है, इसके द्वारा रोका जाता है। 16 सितंबर डेट भी याद रखिएगा, 16 सितंबर हम ओजोन डे मनाते हैं। क्या? ओजोन डे मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा 26।
वायुमंडल से ओजोन परत अवशोषित करती है किसको, तो वायुमंडल से जो ओजोन परत होती है वो हमारी पराबैंगनी किरणों को भी अवशोषित करती है, एक्सरे जो हानिकारक रेज होती है डायरेक्ट हमारी सूर्य से हमारे पास आती है उनको रोकने की कोशिश करती है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, 27 क्या है, 27 दव तरंगे होती हैं, दव तरंगे होती हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ब्रोगली तरंगे एक प्रकार की दव तरंगे होती हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, गामा किरणें किसके द्वारा उत्पन्न हो सकती हैं, गामा किरणें किसके द्वारा उत्पन्न हो सकती हैं, इसका आंसर क्या होगा, तो जीन उत्परिवर्तन द्वारा गामा रेज उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, 29 क्या है, 29 है आपका वोल्टमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए करते हैं, वोल्टमीटर का प्रयोग हम क्या मापने के लिए करते हैं, इसका आंसर क्या होगा, टेम्परेचर यानी कि तापमान, तापमान, ठीक है, वोल्टमीटर का प्रयोग हम तापमान मापने के लिए करते हैं, क्या मापने के लिए, तापमान, ठीक है, याद रखिएगा वोल्टमीटर का प्रयोग हम तापमान का मापने के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर बात करें नेक्स्ट हमारा 30 लास्ट क्वेश्चन, एएम का पूरा नाम क्या है, एएम, एएम का पूरा नाम क्या है, एक एएम पीएम तो घड़ी में होता है, एएम पीएम, एएम पीएम घड़ी में होता है जो हम घड़ी देखते हैं, ठीक, एक हमारा एएम पीएम होता है साइंस में, एएम का मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये आपका साइंस में होता है। यहाँ पे क्या होता है, एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन, एंटी मेरिडियन पोस्ट मेरिडियन घड़ी में, ठीक। चलिए ये भी याद रखिएगा, ये साइंस के 30 क्वेश्चन थे आपके वेव के यानी कि तरंग के। इसके अलावा हमारा साउंड वेव एक अलग चैप्टर है जिसको हम कल करेंगे, ठीक है, साउंड वेव, लाइट, लेंस, इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन और साइंटिफिक इन्वेंशन, ये आपका टॉपिक बचा हुआ फिजिक्स में, इसके बाद हम केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी करके खत्म करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।